दोस्तों, बहुत सारे घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि फर्श बनवाने के महज 2 या 3 साल बाद फर्श धंसने लगता है या फिर फर्श में दरार आने लगती है। तो 90% घरों में ऐसा ही होता है, क्योंकि उस घरों में सॉइल फिलिंग सही से नहीं होता है। तो आइए, इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि सॉइल फिलिंग कैसे होता है। तो देखिए, सॉइल फिलिंग करने के लिए आप लोगों को देखिए, यहाँ पे ये लोग क्या किए हैं कि पूरा मिट्टी एक ही बार में भर दिए हैं। तो ये सही नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी भरने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि मिट्टी आप लोगों का कौन सा है। मिट्टी आपका एकदम घास नहीं होना चाहिए, जो मिट्टी इसमें आप डालिए एकदम भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप घास वाला मिट्टी डालेंगे तो आप पानी डालेंगे तो पानी से बैठेगा नहीं, वो घास पे टंग ही जाता है मिट्टी। तो आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप कौन सा मिट्टी डालें और कैसे भराई करें, इसका फीलिंग कैसे किया जाता है। तो आप लोग ये देखिए कि अगर आपका प्लिंथ लेवल बीम का जो ज़मीन से 5 फुट ऊँचा है, तो आप 3 लेयर में इसको मिट्टी इसका भरिए। क्योंकि ये अगर एक ही बार में आप भर देंगे, उसमें पानी डाल के दुरमुस करेंगे तो वो मिट्टी पूरा प्रॉपर बैठेगा नहीं। क्योंकि मिट्टी अगर दुरमुस करेंगे तो 1 ही 1.5 फुट मिट्टी केवल बैठेगा, उसके नीचे वाला पूरा मिट्टी नहीं बैठेगा, वो वैसे ढीला ही रहेगा। जब आप उस पर फर्श बनवाएंगे या सादा फर्श बनवाएं या ग्रेनाइट पत्थर लगवाएँ या फिर टाइल लगवाएँ, तो कुछ ही दिनों में वो उखड़ जाएगा। तो ये सही नहीं है। तो आप मिट्टी कैसे भराएँ, तो मिट्टी भराने के लिए आप अगर 5 फुट ऊंचा आपका बीम है ज़मीन से, तो आप 3 लेयर में उसको भरवाएं। तो 3 लेयर आप कैसे करें, एक एक फीट का लेयर बनाएं, 1.5-1.5 फीट का लेयर बनाएं। पहले 1 लेयर मिट्टी छोड़ दें, उसके बाद उसमें पानी डालें, उसके बाद खूब दुरमुस करें, उसके बाद फिर दूसरा लेयर उसमें डालें मिट्टी, तो फिर खूब दुरमुस करें, उसके बाद आखिरी लेयर जो होता है उसको डाल के अच्छे से दुरमुस कीजिए और पानी इतना भर दीजिए ताकि मिट्टी से 4 इंच पानी ऊंचा ही रहे, ताकि वो मिट्टी में पानी पूरा बढ़िया से सोख ले। और उसके बाद आप उस पर जब वो सूख जाए तो उस पर आप दुरमुस कराइए। उस तरह से अगर आप मिट्टी डालेंगे तो आपका कभी भी फर्श बैठेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो मेहनत ज़्यादा लगेगा लेकिन आपका फर्श हमेशा के लिए सही हो जाएगा।